प्यारे की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। परम पूज्य गुरुजी ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को धरी चरणों में शीश। दास जानी दया करो बुद्धि दियो बख्शीश। बुद्धि दियो बख्शीश। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज फिर श्री राजी महाराज की मेहर और हुकुम आदेश के माध्यम से हम आप यहाँ चितवनी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अति सुंदर अति पावन 4:30 बजे का समय, जिस समय श्री परमधाम से इस खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टियों का आगमन हुआ और अब इसी समय को लक्ष्य में रखते हुए हम श्री परमधाम का चितवन करने जा रहे हैं। सुंदर सांझ जी, अब तक हम लोगों ने श्री परमधाम की 5 परिक्रमा का वर्णन और चितवन किया है। अब इस 5वीं परिक्रमा के आगे जब हम 6वीं परिक्रमा के अंतर्गत प्रवेश होते हैं, जिसको छोटी रांग भी कहा गया है, जिसको चार हार हवेली के नाम से भी पुकारा गया है, तो इसमें जो शोभाएं आई हुई हैं और इससे पूर्व जो वन की नहर को हमने 5वीं परिक्रमा में देखा, इसके आकार जवेर की नहर के आकार और वन की नहर के साथ साथ छोटी रांग के आकार का कैसा संतुलन है, कैसा कंपैरिजन है, इसके ऊपर में भी हम आज थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप शुरुआत करते हैं परमधाम के नक्शे से, जिसके अंदर में हम जो 6 परिक्रमा हैं उनको देख पाएंगे। और जो हम आपके संयोजक भाई हर्ष प्रणामी जी हैं, इनको हम बार बार साधुवाद देते हैं। इसी तरह से आज हमारे बीच में कानपुर से उपस्थित हुए भाई गुलशन मुंगा जी, आपको भी हृदय से आभार साधुवाद। बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आपने हमें आह्लादित किया। और इसी के साथ आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम प्रवेश करते हैं श्री परमधाम 25 पक्ष के अंदर में। सतगुरु हमारी बाह पकड़ करके हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार इस वतन के अंदर हमें प्रवेश करा रहे हैं। तो एक जयकारा और इसी के साथ अंदर हम प्रवेश होते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर सा जी, श्री परमधाम 25 पक्ष का नक्शा जो आपके समक्ष अब यहाँ पर उपस्थित है, तो इस नक्शे के माध्यम से आपको सबसे पहले श्री रंगमहल और श्री रंगमहल को घेर करके जो परिक्रमाएं आई हुई हैं इनका वर्णन हम आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मध्यस्थ में आप देखिए कि जो श्री रंगमहल यहाँ पर आया हुआ है, सबसे बीच केंद्र बिंदु के रूप में श्री रंगमहल है। और अब यहाँ
रंग महल को घेर करके हम छठी परिक्रमा में प्रवेश हो रहे हैं, जो छठी परिक्रमा अर्थात कि यहाँ पर आपको दर्शन हो रहा है। इसे हम छोटी रांग चार हार हवेली इसके रूप में जानते हैं। जैसा आप दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर 32 पहल फिरे हुए हैं। ये संपूर्ण गोलाई के अंदर रंग महल को बाहर से आवृत कर रही है। अब ये जो छोटी रांग है श्री रंग महल से कितनी दूरी पर आई हुई है, तो सुंदर सांझ जी हम जानते हैं कि रंग महल से लेकर के हम आए हैं माणिक पहाड़ तक, तो यहाँ जब हम आए 2.5 करोड़ योजन की दूरी हो रही थी। माणिक पहाड़ की जो हद है इसको उल्लंघन करके हम वन की नहर में प्रवेश हुए। वन की नहर जो कि 1 करोड़ योजन की इसकी चौड़ाई है, इसी के कारण यहाँ तक आने से 3.5 करोड़ योजन तक हम आ चुके हैं। तो सुंदर साथ जी उसके बाद में यहाँ देखिए तो ये छोटी रांग आती है, अर्थात रंग महल के बीच सेंटर से आप जब 3.5 करोड़ योजन दूर तक आ जाएंगे तो आप छोटी रांग की सीमा के अंदर प्रवेश होंगे। ये अंदर की उसकी जो सीमा है ये आपको समझना है। अब सुंदर साथ जी आवाज नहीं आ रही, अच्छा अब सुनाई दे रहा है, आ रही है आवाज। प्रणाम। ओके प्रणाम। ओके तो सुंदर सांझ जी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं छठी परिक्रमा के अंतर्गत हमें और क्या समझना है, तो इसकी जो चौड़ाई आई हुई है ये चौड़ाई यहाँ पे आप इसका विस्तार देख रहे हैं, अर्थात उसकी जो अंदर की किनार है वहां से लेकर के बाहर के किनार तक अगर आपको निकलना है तो उसमें कितनी चौड़ाई आई हुई है इसका वर्णन करते हैं कि 9 करोड़ योजन की चौड़ाई इस छोटी रांग की आई हुई है। आप अंदर के किनार से लेकर बाहर के किनार जब निकलेंगे तो आप 9 करोड़ योजन की जो चौड़ाई है उसको पार करेंगे। अब सुंदर सांझ जी जब श्री रंग महल से जवेर की नहर तक जाया जाता है, अर्थात यहाँ तक तो सुखपालों में विराजमान होकर के परिभ्रमण करते हैं, किंतु अगर उससे बाहर कहीं जाना हो तो यहाँ पर आने के लिए आपको चाहिए तख्तरवा रूपी साधन। एक ही तख्तरवा में बैठ करके 12,000 सखियां और युगल स्वरूप यहाँ छोटे रांग में आकर के भ्रमण करते हैं। तो 32 में से कोई भी पहल के अंदर वे आकर के यहाँ पर विराजमान होते हैं और यहाँ की जो शोभा सुंदरता है अब इसका हम वर्णन और चितवन करने जा रहे हैं। सुंदर सांझ जी इससे पूर्व एक और बात हमें यहाँ गौर करनी है कि जब आप इसकी परिक्रमा लगाना चाहें, क्योंकि ये छठवीं परिक्रमा है इसकी परिक्रमा जब हम लगाना चाहते हैं तो कितनी गोलाई में इसकी परिक्रमा आई हुई है इसका थोड़ा चित्वन करते हैं। हमने कहा कि रंग महल से लेकर के छोटी रांग की दूरी 3.5 करोड़ योजन तक की है और उसके उपरांत उसकी चौड़ाई को और आप जोड़ दीजिए 9 करोड़ योजन, तो 12.5 करोड़ योजन यहाँ तक हो जाते हैं। और जिस तरह से बीच से लेकर 12.5 करोड़ योजन यहाँ तक होते हैं, इसी तरह दूसरी बाजू के लिए भी आप बीच से लेकर के 12.5 करोड़ योजन को जोड़ लीजिए। जब आप जोड़ लेते हैं तो 12.5 और 12.5 अर्थात के 25 करोड़ योजन कहाँ से है, जो छोटी रंग की ये बाहर की किनार है ना, यहाँ से लेकर के आप सीधे चले जाइए तो दूसरी दिशा सामने की जो दिशा है वहाँ पर बाहरी किनार जो आती है छोटी रांग की वहाँ तक आपको आना है, तो 25 करोड़ योजन की ये लंबाई चौड़ाई हो गई। लेकिन जब हम परिक्रमा इसकी समझना चाहते हैं
तो इसको हम तीन गुना करते हैं क्योंकि ये गोलाकार है। जब तीन गुना किया जाता है तो 75 करोड़ योजन इसकी गोलाई अथवा परिक्रमा कही जाती है। इतने विस्तार में ये छोटी रांग आई हुई है। सुंदर शाह जी, हमें लगता है कि संख्या तो बहुत बड़ी है और नक्शे में देखो तो अच्छी प्रकार से शायद नजर भी ना आ रहा हो। ये वैसी ही बात है, मैं बार बार कहती हूँ आप सभी से कि चितवन जब हम करते हैं तो हमारे दिल का ये भाव हो कि हम बट बीज के अंदर बट वृक्ष को समझ सकें। सीधी सी बात है, बट नेचुरल है कि जब किसी भी जगह, हवेली, वृक्ष आदि किसी पक्ष को अगर समझाना हो नक्शे के माध्यम से तो उसे बहुत बड़े विस्तृत रूप में तो बता नहीं सकते, उसका एक नमूना मात्र दिया जाता है। उस नमूने के आधार पर उसके अंदर का विस्तार, उसके बाहर का विस्तार, ये सब कुछ हमारी समझ में आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि पूरी दुनिया को एक छोटे से ग्लोब के माध्यम से समझा जाता है, वैसे ही ये परमधाम 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में स्थित है। ऐसे श्री अखंड परम धाम को हम इस नक्शे के माध्यम से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुंदर शाह जी, जब आप इस छोटी रांग में होंगे, इस छोटी रांग में परिभ्रमण करते समय आपको क्या क्या नजर आएगा? अगर आप भीतर की तरफ देखते हैं तो आपको वन की नहर का संपूर्ण दृश्य नजर आएगा, माणिक पहाड़ की हद, माणिक पहाड़, ये सारी खूबियां नजर आएंगी। जवेर की नहर संपूर्ण आप देख पाएंगे एवं जवेर की नहर के अंदर जो जितना विस्तार आया हुआ है, मध्य में स्थित श्री रंग महल, उत्तर दिशा में स्थित पुखराज पहाड़, दक्षिण दिशा में आए हुए हौजकोसर तालाब या तो फिर पूर्व दिशा में स्थित अक्षरधाम, पश्चिम दिशा में आई हुई पश्चिम की चौगान, इन सबको आप अच्छी प्रकार से छोटी रांग से दर्शन कर सकते हैं क्योंकि छोटी रांग ने इन सब को घेर लिया है। और इसके बाहर की तरफ अगर आप दृष्टिपात करते हैं तो बाहर की तरफ में क्या आया हुआ है? तो बड़ी रांग सुशोभ्यमान हो रही है जिसका दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, जो अति विशाल दुर्ग किले के रूप में विद्यमान है। ऐसी बड़ी रांग छोटी रांग को भी घेर लेती है। तो आइए सुंदर शाह जी, ये जो छोटी रांग का एक और नक्शा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सुंदर शाह जी, ये जो नक्शा आप इस समय देख रहे हैं ये छोटी रांग की एक हांस का नक्शा है। ऐसे ही 32 हांसे शोभा लेती हैं, जो गोलाकार में अभी अभी हमने देखी वो 32 हांस थी। उनमें से एक हांस इस प्रकार से विद्यमान है जिसमें लंबाई चौड़ाई में आप देखें तो 9 करोड़ योजन यहाँ लंबाई चौड़ाई के आए हुए हैं। इसके अंदर जैसा आपको दर्शन हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4 ये चार हवेलियों की चार हारें यहाँ शोभा लेती हैं, तो कुल मिला करके 16 हवेलियां यहाँ पर शोभा ले रही हैं वो एक हांस के अंदर। ऐसे ही आपको 32 हांसों का वर्णन समझना है और चितवन भी करना है। इसे चार हार हवेली भी कहते हैं और छोटी रांग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चार हार हवेलियों की शोभा ले रही है। तो सुंदर शाह जी, जब आप बीच नहर से इस तरफ की बीच नहर की चौड़ाई को पार करते हैं तो 9 करोड़ योजन की चौड़ाई को आपने पार किया। इसका अर्थ है कि जब आप एक हवेली से दूसरी हवेली, दूसरी से तीसरी और तीसरे से चौथी हवेली में जाएंगे तो प्रत्येक हवेली 2.25 करोड़ योजन की चौड़ाई और लंबाई में स्थित है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो नहर आई हुई है, इस नहर से इस नहर तक आप जाइए तो 2.25 करोड़ की चौड़ाई, योजन की चौड़ाई को आपने पार किया। इसी प्रकार इस नहर से इस नहर तक जाइए तो पुनः 2.25 करोड़ योजन की चौड़ाई को आप पार करते हैं। कुल जमा 9 करोड़ योजन की इसकी चौड़ाई और लंबाई हो जाती है। अब साथ जी, यहां हमें गौर करना है कि 16 हवेलियां आई हुई हैं। अब हम इसमें से एक हवेली का दर्शन करते हैं। इसमें से एक हवेली को एक नक्शे के अंदर हम समझेंगे और इसी प्रकार से आपको इन सर्व हवेलियों को समझना चाहिए। जैसे आप एक हंस की 16 हवेलियां समझेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको 32 पहल की सभी हवेलियों को वैसे ही समझना है। तो आइए मैं आपके साथ में एक और नक्शा शेयर करती हूँ, जो नक्शा एक हवेली का वर्णन हमें समझाता है। सुंदर साहब जी, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं ये एक हवेली है, ऐसी ही 16 हवेलियां हैं। अब इस एक हवेली के अंदर में कैसा वर्णन है आप देख रहे हैं कि एक हवेली को मैं थोड़ा और इसे जूम करूं तो एक हवेली के अंदर यहाँ आप 4 बड़े दरवाजों का दर्शन कर पाते हैं। जैसे यहाँ सामने इन दोनों दिशा में, अर्थात चारों दिशा के 4 बड़े दरवाजे शोभा ले रहे हैं। ये 4 बृहत द्वार हैं, जिन बृहत द्वार से आप इस हवेली के अंदर प्रवेश हो पाएंगे। लेकिन सुंदर श्याम जी, सर्वप्रथम ये भी तो समझना है कि ये हवेली भोंबर के ऊंचे चबूतरे के ऊपर में शोभा ले रही है। इस भोंबर के ऊंचे चबूतरे के ऊपर आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा और जूम कर दिया हमने नक्शे को। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये रौंस फिरी हुई है। इस रौंस के माध्यम से परिक्रमा की जाती है, अर्थात ये जो रौंस है इसके किनार में, अर्थात चबूतरा यहाँ लगा हुआ है, ये चबूतरे की फिरती रौंस आई हुई है। चबूतरे के किनार में कमर तक के नूर में जलजलाकार कठेड़े यहाँ पर अति सुंदर रूप से शोभा लेते हैं। और चारों दिशाओं में जैसे आपको यहाँ दर्शन हो रहे हैं कि आप यहाँ अति सुंदर चांदनी चौक दर्शन कर पा रहे हैं। चारों दिशाओं में 4 सुंदर चांदनी चौक शोभा ले रहे हैं और इनकी शोभा हूबहू वैसी है जैसे रंगमहल के सामने चांदनी चौक आया हुआ है। वहाँ जैसे हम हरे और लाल वृक्षों की शोभा को देखते हैं, ऐसे ही चितवन करते वक्त यहाँ भी आपको चांदनी चौक में इस तरफ, यानी कि जो लाल वृक्ष आया हुआ है दाहिनी तरफ में है और बाईं तरफ में आप देख रहे हैं कि हरा वृक्ष आया हुआ है। यहाँ भी देखिए तो दाईं तरफ लाल वृक्ष है, बाईं तरफ हरा वृक्ष शोभा ले रहा है। इस प्रकार से इस शोभा को आप निहारते हैं और हवेलियों की दीवार से लगते हुए जो दरवाजे यहाँ पर आए हैं उनमें जाने के लिए आपको भूंबर की ये सीढ़ियाँ आरोहण करनी होगी, चढ़ करके जाना है। ठीक वैसे ही जैसे रंगमहल में हम प्रवेश होते हैं, ये सीढ़ी के दोनों तरफ में अति सुंदर परकोटे आपको नजर आएंगे। इन परकोटों के ऊपर बहुत सुंदर कांगरी की शोभा बनी हुई है। ये सुमनोहर कांगरियों को देखते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम जब दरवाजे के ऊपर आकर के खड़े हो जाते हैं, यहाँ आपको दर्शन वैसे ही होगा जैसे रंगमहल में होता है। अर्थात दरवाजे के दोनों ओर आपको यहाँ चबूतरों की शोभा नजर आ रही है, ये दोनों ओर चबूतरों की शोभा है। अब ये चबूतरे जो हैं उनके ऊपर में भी रंगमहल की भांति ही थंब मेहराबे सुंदर कठेड़े शोभा ले रहे हैं। इनकी जो शोभा है
वो कुछ ऐसे बनी हुई है जिसे रंगमहल के, परंतु रंगमहल का जैसा आकार और ऊंचाई चौड़ाई इत्यादि उसी प्रमाण में वहां के थम मेरा वे। और ये छोटी रांग के अंदर जा इतनी विशाल हवेलियां बनी हुई हैं, उनके चबूतरे, दरवाजे, थंब, दीवार, मेहराब उसी प्रकार के विस्तार युक्त नजर आते हैं, परंतु शोभा वैसी ही नजर आएगी जिसे रंगमहल में प्रवेश करते समय हमें नजर आती है। तो सुंदर सांझ जी, सतगुरु हमारी बाह पकड़ करके सीढ़ियां आरोहण कराकर दरवाजे में हमें पहुंचा करके आसपास के चबूतरों की शोभा हमें दिखा रहे हैं। इस शोभा का चित्वन हमने किया। अब इससे आगे जब हवेली में हमको प्रवेश होना है तो हमने इस रोंस के ऊपर खड़े होकर के यहाँ से परिक्रमा लगाई। परिक्रमा करके अब हम अंदर जब प्रवेश होते हैं तो हमें क्या नजर आता है, ये बहुत अद्भुत शोभा है। जब आप अंदर चल करके जाएंगे तो आपको यहाँ 12,000 की 12,000 हार हवेलियों की नजर आ रही है। सुंदर सांझ जी, इस शोभा को गौर करिए, क्योंकि ये शोभा कैसे बनी है, यहाँ आर पार जो है रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, और ये हवेलियां दरवाजे की दोनों तरफ 6,000 आई हुई हैं। अर्थात ऐसे देखने जाओ चौड़ाई के अंदर तो 12,000 हवेलियां हैं, लंबाई में देखने जाओ तब भी 12,000 हवेलियां हैं। तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे या एक हवेली के अंदर में शोभा ले रही हैं। अब सुंदर सांझ जी, ये जो पंक्तियां आपको नजर आती हैं, इनकी कुल संख्या 14,40,00,000 हो जाती है। ये अति भव्य है। इसे चित्वन करते समय हमें ये समझना है कि प्रत्येक हवेली के अंदर कैसी शोभा है। 14,40,00,000 में से अब एक हवेली के अंदर जब हम प्रवेश करना चाहें तो उनके अंदर में, जैसे हमने माणिक पहाड़ में सुना था कि एक हवेली के अंदर 12,000 महल, उनमें से प्रत्येक महल के अंदर 12,000 मंदिर, और उनमें से प्रत्येक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की शोभा, प्रत्येक कोठरी, मंदिर, महल, हवेली के बीच बीच में अति सुंदर चबूतरों के सहित 12,000 थम, 12,000 मेहराब, हिंडोलों की शोभा वहां पर हमने निहारी थी। अब उसी को लक्ष्य में रखते हुए यहाँ की प्रत्येक हवेली की शोभा को हम चित्वन करते हैं। सुंदर सांझ जी, फर्क इतना ही है कि माणिक पहाड़ के अंदर एक हवेली में 12,000 की संख्या कायम हम चला रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन छोटी रांग के अंदर जो 14,40,00,000 हवेलियों का दर्शन आप कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक हवेली के अंदर कई असंख्य महल हैं। माणिक पहाड़ में 12,000 की संख्या थी, यहां पर असंख्य महल आए हुए हैं, और उनमें से प्रत्येक महल के अंदर असंख्य मंदिर, उनमें से प्रत्येक मंदिर के अंदर असंख्य कोठरियां आई हुई हैं, एवं इन सभी महल, मंदिर, कोठरी, हवेलियों के अंदर चबूतरे, चबूतरों के ऊपर थम, हिंडोले, मेहराबे, इन सब की अपार शोभा है। सुंदर सांझ जी, माणिक पहाड़ का वर्णन करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी हमारे धामधनी स्वरूप कहते हैं, अटक रहे थे इत ही बीच आवने मोमिनो दिल, इन अरस रूहों वास्ते एता कहया, विचार करे सब मिल। माणिक पहाड़ के प्रत्येक भूम, प्रत्येक हवेली, महल आदि का वर्णन 12,000 के संख्या के अंदर बांध करके हमें समझाया हमारे धामधनी ने। क्यों समझाया, इन अरस रूहों वास्ते एता कहया, ये परम धाम की रूहों को श्री परम धाम का एक
नमूना पेश करने के लिए वहां की शोभा सुंदरता को समझाने के लिए उनके चित्त में ये बात को प्रवेश कराने हेतु से श्री प्रणा जी ने इतना तो वर्णन किया, फिर भी अटकाव आ रहे थे क्योंकि प्रत्येक हवेली के अंदर का विस्तार बेशुमार 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 था। लेकिन सुंदर श्याम जी, जब हम छोटे रांग में आते हैं तो उससे भी भव्य विस्तार या छोटे रांग की प्रत्येक हवेली का है। इसीलिए यहाँ के हर हवेली, ये जो आप देख रहे हैं इस समय ये हवेलियां हैं, उसमें से प्रत्येक हवेली के अंदर महल मंदिर कोठरी थंब दीवाल आदि की जो शोभा सुंदरता है उसे किसी संख्या में धनी ने नहीं समझाया, बल्कि असंख्य अगणित कह करके हमें समझाया है। साथ जी, तो अब यहाँ जैसे आपने एक हवेली का दर्शन, एक भोम का दर्शन किया, ऐसे ही ऊपरा ऊपर 12,000 भोमे आई हुई हैं। अब इसके अंदर असंख्य अगणित इन्फिनिट ऐसे बाग बगीचे महल मंदिर आदि थंब आदि की शोभा है। इसकी भव्यता, इसकी अगम्यता के ऊपर अगर हम चित्वन करते हैं सुंदर साथ जी, धाम की इसी शोभा के अंदर हम खो जाते हैं। तो ऐसी अति सुंदर शोभा से यह परिपूर्ण है। जैसा वर्णन आपने एक हवेली का, एक भूम का समझा, ऐसे ही 12,000 हवेलियों का, 12,000 भूमों का, 14,40,00,000 हवेलियों का आपने समझना है। यहाँ पर जो चारों दिशाओं में आप यहाँ बगीचे भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी बगीचों की शोभा है, जहाँ अनन्य प्रकार के, अनेकों प्रकार के वृक्ष शोभा लेते हैं, और ये जो सारे वृक्ष आदि आए हुए हैं उनमें भी कई किस्म के फुहारे उड़ते हैं, कई किस्म के यहाँ पर अलग अलग चहबचे आदि बने हुए हैं। इन बगीचों की जो शोभा है वो ऐसी निराली शोभा है जिसको आप केवल और केवल चितवन के माध्यम से ही पकड़ सकते हैं। यहाँ पर कई अनंत प्रकार के जो फुहारे हैं, ये फुहारे यहाँ पर शोभा लेते हैं सुंदर सांझ जी। तो आपके समक्ष एक जो फुहारों का दृश्य है इसे मैंने प्रस्तुत किया कि जिसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि कैसे इन फुहारों की शोभा हो रही है। देखिए, अलग अलग प्रकार के कई फुहारे यहाँ पर शोभा लेते हैं। जैसे संसार के अंदर में भी आप अलग अलग स्थानों में जाएंगे तो तरह तरह के जो फुहारे हैं उनकी शोभा आपको देखने मिलती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ छोटी रांग के अंदर में भी कई प्रकार के जो शोभाएं हैं उनका आप दीदार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं सुंदर सांझ जी। परंतु इसी के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चितवन करना होगा कि धाम में कैसे कैसे फुहारे बने हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपने जो दर्शन किया, ये बड़ी बड़ी सड़कें भी यहाँ शोभा लेती हैं। 32 पहल में से प्रत्येक पहल के अंदर 16-16 हवेलियों की शोभा अति सुंदर और बहुत ही विस्तृत रूप से ये सारी शोभा यहाँ पर आई हुई है सुंदर सांझ जी। तो इस छोटी रांग का हमने बहुत अच्छी प्रकार से चिंतन करना है क्योंकि ये संख्यातीत है, बेहद है। तो इसी भाव को हम अपने हृदय में लेते हैं और इससे पूर्व जो हमने वर्णन किया था वन की नहरों का, उसमें पिरामिड के शेप में आपको शोभाएं नजर आएंगी। छोटी रांग के अंदर 16 हवेलियां एक समान आपको नजर में आएंगी। तो इस शोभा का चितवन कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों पूरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। आप सभी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर सांझ जी।